एक मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए मैंने भाई को फोन कर दिया था सुबह ही वैसे तो मेरी तरफ से मेरे को हाँ एक ब्लूटूथ स्पीकर छोटा सा टच चलो भाई मिलते हैं एक्साइटिंग ब्लॉग में। और आज मैं जा रहा हूँ गौरव जोन से मिलने, तो अभी रात के बज रहे हैं 10:30, तो होपफुली नाइट आउट ही होने वाला है। और अभी जो टाइम हो रहा है करंटली, मैंने बधाई दिया 10:30, बार बार टाइम एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अपनी स्विफ्ट से, मैं जा रहा हूँ गौरव जोन से मिलने, उसे मुझे पिक करना उसके घर से, तो चलते हैं पिक करते हैं और आगे का जो भी सीन होता है वहीं से बताऊँगा फिर। बाय बाय। दोस्तों पहुंच गया हूं मैं यहां पे गौरव जोन के यहां पे, और मुझे अभी पिक करना है गौरव जोन को। मैंने फोन किया है और बोल रहा है 5 से 10 मिनट लगेंगे, तो डेफिनेटली श्योर हूं मैं 20 से 25 मिनट लगेंगे, क्योंकि गौरव जोन हमेशा इतना ही टाइम लगाता है जब वो 5-10 मिनट बोले। और अगर कभी गलती से बोल दे कि 15-20 मिनट लगेंगे, तो समझ लो सीधा सीधा 1 घंटा लगेगा, और बोल दे 1 घंटा लगेगा तो फिर अगले दिन आना, क्योंकि वो उस दिन नहीं आएगा, वो सीधे अगले दिन आएगा। तो मतलब इतना टाइम लेता है गौरव जोन, देखते हैं कितनी देर में आता है। तो अभी टाइम हो रहा है, ठीक है वेट कर लेते हैं। 11:12 हो रहा है जो टाइम हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे 11:12। तो देखते हैं गौरव जोन कितनी देर में आता है, आप खुद देख लेना, टाइम दिखा दूंगा जैसे ही आएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर मेरी ये पूरी आइसक्रीम खत्म हो गई है, और जो टाइम हो गया वो हो गया 11:18, तो मतलब 6 मिनट हो गए हैं, और बोले थे 2 से 5 मिनट, अभी 4 मिनट और होंगे, 10 मिनट होंगे, लेकिन गौरव जोन का कोई अता पता नहीं है। मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, वेट कर रहा हूँ पागलों की तरह, और गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, बट मैं खड़ा हूँ, देखते हैं और कितनी देर में आते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स आइसक्रीम खा लो, ठंडी है आइसक्रीम की डंडी की टूथपिक बन चुकी है, और टाइम हो चुका है 11:25, और गौरव जोन स्टिल नहीं आया। ब्लॉग चल रहा है। तो भाई 11:31, 32 मिनट हो गए हैं, और मैं इस सीट पर इसलिए आ गया क्योंकि फाइनली गौरव जोन यहाँ पर आ गए हैं। भाई 1 मिनट मान के चलो 1 घंटा हमारा। मैंने बोली थी कि अगर 5 मिनट बोले तो सीधे सीधे समझ जाओ 1 घंटा, और 1 घंटा बोले तो फिर अगले दिन आना, क्योंकि उस दिन गौरव जोन नहीं आता, सीधा अगले दिन आता। ये तो मेरी पब्लिक को पता है भाई, मैं बहुत ज्यादा लेट चलता हूँ, आदत हो गया ना भाई। कहाँ चल रहे हैं भाई आज? चला अभी चल रहे हैं उत्तम नगर, मेरे को एडिटर से कुछ काम है, और रास्ते में चलते चलते आज पूरी नाइट आउट दिखाएंगे कि क्या दिल्ली की लाइफ होती है, और इसकी नई स्विफ्ट है वो चलाएंगे, और इसकी कुछ बातें हैं। इसने भाई जो मेरे को धोखा दिया है ना, मतलब क्या बोला, दुश्मन भी ना देता हो मेरे को तो। नहीं ऐसा नहीं है। अभी बताऊंगा आगे वाला। चलते चलते भाई मजा लगा, उत्तम नगर में आ चुके हैं, अभी अपने एडिटर से मिलेंगे और फिर आपको दिल्ली के दर्शन कराते थोड़ा। आजकल ना कावड़ियों का ये चल रहा है, तो कावड़ियों का डांस दिखाएंगे और मैं भी नाचूंगा इनके बीच में, मजे करेंगे। बम बोले बम, अगर गौरव जोन नाचे तो मैं भी नाचूंगा पक्का। और इसी बात अगर हम नाचे तो तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करना पड़ेगा कैसे? तो अभी हम आ चुके हैं सुधांशु से मिलने, प्रिंस गाड़ी लेके आ रहा है, आज आगे आ जा, यहाँ पे कोई नहीं, अभी रात के बज रहे हैं 1 बज रहा है रात के। कहाँ है तेरा घर? ये ब्लू वाला। गौरव भाई कहाँ ले आए मेरे को ये तुम? भाई अब जा रहे हैं एक हॉरर सी जगह जा रहे हैं, ये है द्वारका सेक्टर 9, और काफी मैंने सुना है कि यहाँ पे काफी हॉरर एक्टिविटीज होते हैं, जाके देखते हैं है भी कि नहीं है, हम जाके देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। चल हमारे साथ यहाँ पे है
रोड तो काफी सुनसान है बस। कौन सा पेड़ है देख भाई, ये वाला पेड़ है देख, ये वाला देख रहा है पेड़, ऐसा नहीं लग रहा इंसान सा है। वो जंगल है ये पता है, यहाँ मंदिर इसलिए बना है क्योंकि पूरा कब्रिस्तान पे बना है। अच्छा, तो यहाँ पे एक्टिविटी हो तो मंदिर बना दिया। यहाँ देख टूटा हुआ है ना रास्ता, देख वहाँ से अंदर चले जाएंगे कुछ भूतिया सी साइड से रास्ता काट दिया तुम यहाँ से निकाल लो जान दे जा। तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ, चलते वे से गा दो जा तो सारी तरह की। अरे मैं जाऊंगा ही नहीं, चलो किसी को ले जा बंदे, ये जो कट ना किसी कट के अंदर गए थे जा। कुछ नहीं दिख रहा मैं नहीं भाई, कुछ वाइट वाइट से दिख रहा है वहाँ से, वही वही भाई देखा, चलो निकाल मैं नहीं निकाल, तेरा निकाल निकाल भाई कुछ नहीं लग रहा। अरे निकालो तुम लाइट मार, अरे निकालो ना तुम यहाँ से, अरे नहीं भाई, क्या खतरनाक सी चीज थी यार, सच में हिल रहा था कुछ। इनको देखो ये पीछे खतरों से खेलने वाले, हम तो पिछले बार जा चुके हैं ना भाई, यहाँ 10 लाख लोगों की जिम्मेदारी है या 5 लाख लोगों की, ये तो है, इतने मरना नहीं चाहते थे। कहाँ से उठा ना भाई, आगे से उठा है, ये वही वाला जंगल है ना। हाँ वही वाला जंगल है पीछे तक, जब तुम पिछली बार गए थे तो यहाँ कुछ देखा था भाई, कुछ दिखा नहीं था बट हमें फील हो रहा था कुछ नेगेटिविटी एनर्जी फील होती है, ले बना वीडियो मेरी बना। हाँ बोलो, पिछली बार गए तो देखा था, ऐसा था कि मेरा यूट्यूब चैनल है गौरव जोन, ठीक है, तो मैंने वीडियो यहाँ की बना के डाली है। जब मैं पहले आया था तो यहाँ पे मेरे को कुछ दिखा तो नहीं बट एक जैसा होता ना फील सा कुछ, कहीं कहीं मेरे को ठंडा लग रहा था, कहीं कहीं मेरे को गर्म सा लग रहा था, और जहाँ गर्म लगती है ना एनर्जीज होती है, कभी गर्म लगती है तो कभी ठंडी लगती है, तो ये एनर्जीज होती है। मान लो कि आप भूत के एरिया में आ गए तो तुम्हें अलग अलग से फील होगा, जैसे तुम्हारा मूड खराब होता है तो अच्छा अच्छा से फील नहीं होता ना, ऐसे सीन होता है, तो ऐसा था। और अगर आपको वो वीडियो देखने तो मेरे चैनल पे देखना, सेक्टर 9 की मैंने डाली थी, उस पर 1.5 मिलियन व्यूज है, बहुत ज्यादा होते हैं, और यहाँ पे रात को पुलिस चेकिंग पे लगी रहती है, देख रहे हो। हे दोस्तों, तो अब गौरव जोन को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया, बाय बाय बाय। और भाई कल ही मेरे 1 मिलियन हुए, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए मैंने भाई को फोन कर दिया था सुबह ही, वैसे तो कांग्रेचुलेशंस भाई, और भाई मेरी तरफ से दिया मेरे को। हाँ, एक ब्लूटूथ स्पीकर छोटा सा टच कंट्रोल वाला, ये रिव्यू यूनिट इनको आती है, हमें चिप देते हैं। प्यार होता है भाइयों का, अब भाई के भी जल्दी 1 मिलियन कराओ, इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो भाई को, लाल कलर बंदा जल्दी कर दो बस, अगर मेरे जिगर के छल्ले देख रहे हो, और जो पहली बार मेरे को देख रहे हो गौरव जोन यूट्यूब चैनल पे आके मेरे को सब्सक्राइब कर दो। चलो भाई मिलते हैं, मिलते हैं भाई, मिलते हैं, और थोड़ा जल्दी ब्लॉग्स डाल अगर भाई पब्लिक के लिए। जरूर जरूर, चलो।